नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। भारतीय किसान संघ की बैठक में संगठन विस्तार को लेकर की गई चर्चा। भारतीय किसान संघ की बैठक ग्राम फतेहपुर विश्नोई छजलट ब्लॉक में संपन्न हुई, जिसमें संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई तथा गौ आधारित खेती को लेकर जोर दिया गया। वक्ताओं ने जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि जैविक खेती आज समय की आवश्यकता है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर स्वस्थ बनाना है तो जैविक खेती की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। आज खेती में उपयोग में लाए जा रहे रासायनिक पदार्थों के कारण आज हम जहर खाने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण आए दिन नई नई बीमारियां जन्म ले रही है। इसलिए हम सभी किसान भाइयों को अपनी प्राचीन पारंपरिक जैविक खेती की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और सभी को जैविक खेती के बारे में जागरूक करना पड़ेगा, जिससे सभी गौ आधारित जैविक खेती की ओर बढ़ नए भारत की आधारशिला रखे। क्योंकि भारत की पहचान गाय, गंगा और गीता से है, जिसमें किसान की महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। बैठक में मुख्य रूप से सुनील जी संगठन मंत्री मेरठ प्रांत, नरेंद्र जी प्रांत उपाध्यक्ष, जितेंद्र जी प्रांत मंत्री, संजीव जी जिला प्रचारक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, रमेश जी विभाग संगठन मंत्री, तेजभान जी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, सुरेश सैनी, ऋषिपाल सैनी, आकांक्ष चौधरी, रोहित चौधरी, जयवर्धन, सौरभ चौधरी, रामपाल सैनी पूर्व प्रधान, राजपाल कश्यप आदि किसान उपस्थित रहे। मेरा नाम जयवर्धन, मैं बागलपुर गाँव का रहने वाला हूँ। भारतीय किसान संघ जो जैविक कृषि के लिए जो है किसानों को प्रोत्साहन दे रहा है, जो जैविक कृषि करने के जो तरीके बताए जा रहे हैं, मुझे यहाँ बैठक में आके जानकारी मिली और मैं जैविक कृषि कर भी रहा हूँ। और जो मेरे जैविक कृषि को लेके जो मुझे परेशानी आती थी, वो यहाँ जो है उसका जानकारी मिली, निदान करा गया। किसान संघ में ज़्यादातर किसानों को जुड़ना चाहिए। संगठन की शक्ति किसानों को जब तक नहीं मिलेगी तो किसानों की कोई सुनवाई नहीं होगी। नई नई जानकारियां किसान संगठन से मिलके जुड़ के जो है मिलती रहती है। किसानों को जुड़ना चाहिए किसान संघ। भारतीय किसान संघ के जो रचनात्मक काम है, नशा मुक्त मानव विष मुक्त खेती, इसको लेकर फतेहपुर बिश्नोई गाँव में गोष्ठी हुई। और साथ साथ जो महापर्व चल रहा है, राष्ट्रीय महापर्व, उसको भी कहा कि राष्ट्रीय महापर्व में राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए इस महापर्व में भाग लेना है। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। जो किसान संघ की तरफ से दायित्व मिला हुआ है वो प्रांत उपाध्यक्ष का दायित्व है और मुझे वर्तमान में प्रांत में सदस्यता प्रमुख का भी दायित्व मेरे पास है, जिसके नाते मैं आज सदस्यता पर ही मैंने बात की। और सदस्यता हमारी जो 31 मार्च तक सदस्यता होनी थी, सदस्यता उसी को लेकर आज यहाँ पे भी गोष्ठी सदस्यता को लेकर की गई, क्योंकि हमारा जो प्रथम चरण था वो 31 मार्च को सदस्यता का पूर्ण हो गया। अब जहाँ जहाँ हम ऐसी जगह जहाँ हम पहले गए हुए थे उससे ज़्यादा पहुँच गए, अब हम कुछ विशेष जगहों पर जाने की योजना है, जिसके तहत आज इस गांव में भी हमारा आना हुआ है। और अब हम जो भी हमारा जो दूसरा चरण, ये हमारा सदस्यता का शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक। इसमें चुनाव का भी दौर चल रहा है, उसके साथ साथ हमें अपनी सदस्यता को भी देखना है। तो जहाँ जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ हम नहीं जा पाते, जो पिछली बार भी हम नहीं गए और इस बार भी नहीं आए, तो वहाँ पर आने का हमारा लक्ष्य है। और इस तरीके से ही हमें जगह जगह छोटी किसान गोष्ठियाँ करके उसमें सदस्यता को लेकर करना है, क्योंकि जब तक किसान संगठित नहीं होगा, जब तक हमारी सदस्यता का आंकड़ा हमारे प्रदेश में और हमारे खासकर हमारे मेरठ प्रांत में जब हमारा सदस्यता का आंकड़ा 5 लाख पर नहीं पहुँचेगा, तब तक हम किसी से अपनी मांग रखने के लिए वाजिब नहीं होंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमारे मेरठ प्रांत में इस वर्ष हमारा जो सदस्यता का लक्ष्य है वो 5 लाख का है। और 5 लाख में हम लगभग 50% हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं, यानी कि 2.5 लाख से हम ऊपर पहुंच चुके हैं। और हमारा दूसरा चरण है, हम चाहते हैं कि 30 अप्रैल तक हमारा, हमें उम्मीद है हमारे सब जितने युवा साथी युवा कार्यकर्ता हमारे, हमारा मुरादाबाद जिला भी पहले से काफ़ी अपेक्षा हमारी सदस्यता कर चुका है और पूरे प्रांत की सदस्यता इस साल हमारी 5 लाख का लक्ष्य हो सकता है पूरी हो जाए, प्रयास रहेगा। बाकी उसी को लेकर आज जगह जगह गोष्ठियाँ की जा रही हैं। आज हमारा ये फतेहपुर बिश्नोई गाँव है जिसमें आज किसान गोष्ठी की गई, जैविक किसान को जैविक को लेकर भी काफ़ी चर्चा की गई। हमारे बीच में हमारे जिला प्रचारक मुरादाबाद के भी थे और हमारे आदरणीय सुनील जी प्रांत संगठन मंत्री और हमारे प्रांत मंत्री जितेंद्र जी और हमारे एक कृषक थे यहाँ के जो खेती करते हैं जैविक पर, उन्होंने भी, जयवर्धन जी ने भी अपने विचार रखे और सदस्यता को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई।